हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज मैं आपके सामने संडे स्पेशल लेकर आया हूँ। वर्तमान में भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है और इसका शासन एक मजबूत संविधान में दिए गए दिशा निर्देशों से चलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मजबूत संविधान को बनाने के लिए लाखों रुपये खर्च होने के साथ साथ कई लोगों ने अपना अमूल्य समय और परिश्रम भी खर्च किया था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. राय ने 1934 में रखा था। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। आइए इस लेख में संविधान से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। इस तथ्यों के बारे में या तो लोग जानते नहीं या फिर जानते हैं तो गलत जानते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और जिस संविधान में जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था। कुल खर्च। संविधान के निर्माण पर कुल खर्च 64 लाख रुपए आया था। कुल समय संविधान के बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। जब संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया गया था और बहस और चर्चा के लिए रखा गया था तो अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। फाइल ड्राफ्ट तैयार। संविधान सभा कुल 11 सत्रों के लिए बैठी थी। संविधान सभा का 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच आयोजित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ था। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान। भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा है। अपने वर्तमान रूप में इसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान पर हस्ताक्षर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान को संविधान भवन में हस्ताक्षरित किया था, जिसे अब संसद के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ किया गया। कलाकारी। प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसमें शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया है। इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं। मूल प्रतियां हीलियम बॉक्स में रखी गई हैं। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया है ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रहें। भारतीय संविधान बनने से पहले भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मानता था। इस तरह के अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।